Daily Bulletin is brought to you by KBN University, Style Up at Prakash Asian Mall and by United Diagnostics. शुरुआत करते हैं COVID-19 के केसेस से। 50 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 18 डिस्चार्ज या क्योर्ड केसेस। एक्टिव केसेस 200 के ऊपर हो चुके हैं, 225 है टोटल फिगर। कर्नाटक के अंदर 33 नए हाईवे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जो कि 11,000 करोड़ वर्थ है। जी हाँ, 33 नए हाईवे जो कि 1197 किलोमीटर को कवर करेंगे। आज उसकी फाउंडेशन जमीन जो है ले हो चुकी है, जो कि नितिन गडकरी जी जो कि रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर हैं। इस मौके पर कई सारे बीजेपी के सीनियर लीडर्स और कई सारे अदर पार्टी लीडर्स भी मौजूद थे। एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हुई जहां पर आप देख सकते हैं गुलबर्गा से डॉक्टर उमेश यादव DC और कॉरपोरेशन कमिश्नर और कई सारे ऑफिशियल्स भी प्रेजेंट थे जिन्होंने इस ऑनलाइन फाउंडेशन लिंक सेरेमनी का हिस्सा बना। कर्नाटक सरकार की तरफ से काफ़ी अच्छी कोशिश है जहां पर नेशनल हाईवेज पर जोर दिया जा रहा है। लोगों की गुजारिश ये भी है कि अक्कलकोट से कर्नूल जाने वाला नया 4-लेन एक्सप्रेस हाईवे जो कि गांगापुर से गुजर रहा है, उसकी रिक्वेस्ट की जा रही है कि 10 किलोमीटर अगर गुलबर्गा से खरीब से होता है तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफ़ी होगी। इस तरह की रिक्वेस्ट कई सारे यूजर्स ने की जैसे ही न्यूज़ बाहर आई। आखिरकार स्कूल्स रीओपनिंग की एक पक्की डेट आ चुकी है। स्कूल्स रीओपनिंग यानी कि सारे स्कूल्स ओपन नहीं होने वाले हैं, ना ही सारे क्लासेस ओपन होने वाले हैं। क्लासेस ओपन होंगे तो सिर्फ 10th स्टैंडर्ड यानी SLC और सेकेंड ईयर यानी PUC 2 की क्लासेस रिज्यूम होंगे January 1st से। जी हाँ, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी जो COVID-19 के लिए काम कर रही है कि किस तरह के प्रिकॉशन लेना चाहिए, और एक एडवाइजरी कमेटी के थ्रू कर्नाटका सरकार को ये एक इन्फॉर्मेशन दी गई थी। उसको चलते हुए आज BS येडियुरप्पा जी ने एक हाई लेवल मीटिंग बिठाई जहां पर सुरेश कुमार जी एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर सुधाकर और कई सारे ऑफिशियल मौजूद थे। BS येडियुरप्पा जी ने कहा कि 10th और सेकेंडरी क्लासेस रिज्यूम हो जाएंगे 1st of January से। सारे SOPs को फॉलो किया जाएगा, जैसे कि मास्क पहना है, सैनिटाइजर लगाना है और डिस्टेंस मेंटेन करना है। उसके अलावा विद्यागामा जो कि एक फ्लैगशिप जो एक काम है, जो गवर्नमेंट का एक स्कीम है जहां पर बच्चों को बाहर एरिया में पढ़ाया जा रहा है, जहां पर 10 से 12 बच्चे आप देख सकते हैं कोई झाड़ के नीचे बैठ कर पढ़ रहे हैं, या तो कहीं मंदिर के पास या कोई मस्जिद के एरिया के पास कहीं बैठ कर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उस स्कीम को वापस से रिवाइज किया गया है। लेकिन इस बात एडिशन ये है कि बच्चों को बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बच्चे स्कूल के प्रीमाइसिस में पढ़ सकते हैं। याद रखिए, प्रीमाइसिस में पढ़ना यानी क्लासरूम में पढ़ना नहीं है, ग्राउंड में या आसपास कहीं बैठकर स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ सकते हैं। याद रखिए, ये विद्यागामा स्कीम गवर्नमेंट के एडेड और नॉन एडेड स्कूल्स के लिए भी मौजूद है। उम्मीद ये करते हैं कि 10th स्टैंडर्ड और सेकेंड ईयर को तो ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, अब बच्चे स्कूल जाने के बाद किस तरह से बच्चे को रिएक्शन मिलता है, किस तरह से पैंडेमिक के अंदर कुछ असर पड़ता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी भी प्राइमरी स्कूल्स के लिए अभी कोई अनुमति नहीं आई है। MIM का गुलबर्गा का डिस्ट्रिक्ट मेंबरशिप का कारवां शुरू हो चुका है। मेंबरशिप ड्राइव काफ़ी स्ट्रांग तरीके से चली। आज नेशनल ग्राउंड पर स्टेट प्रेसिडेंट उस्मान गनी, जनरल सेक्रेटरी लतीफ़ खान, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अब्दुल रहीम मिर्ची और साथ ही साथ यहाँ के ऑब्जर्वर अब मोहम्मद सलीमी मौजूद थे। काफ़ी सारे लोगों ने, यूथ्स ने ज्वाइन की MIM पार्टी और पार्टी को मजबूत बनाया। जी हाँ, इस पार्टी की बैकिंग चल रही है। हाल ही में बिहार में इलेक्शंस आए हुए हैं, 5 सीट AIMIM ने जीत चुकी है। असद अवीसी की पार्टी कर्नाटक के अंदर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है और गुलबर्गा बिल्कुल करीब है, और गुलबर्गा ग्राउंड लेवल से वर्क करना शुरू कर रहे हैं। ग्राम पंचायत में भी उन्होंने इस बार अपने कैंडिडेट्स को फील्ड किया है। अब आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन में देखना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि MIM कितने अपने कैंडिडेट्स को उतारती है और उनको लोगों का प्यार किस तरह से मिलेगा। मोहम्मद सलीम साहब, सैयद मुबीन साहब, गफूर साहब और हमारे कर्नाटक के जनरल सेक्रेटरी लतीफ़ खान साहब पठान साहब और हमारे गुलबर्गा के सदर रहीम साहब, तमाम लोग मिलकर आज इस गुलबर्गा के अंदर बहुत से लोगों को हमने पार्टी ज्वाइन किया है, हमारे पार्टी में दाखिला लिए हैं। तो ये मकसद लेकर दौरा हो रहा है कि गुलबर्गा होने के साथ कल बीजापुर हो जाएगा, बीजापुर के बाद में जमखंडी हो जाएगा, जमखंडी के बाद में बेलगाम हो जाएगा, बेल्लारी हो जाएगा, बेलगाम हो जाएगा, हुबली हो जाएगा, और इसके बाद में फिर सेकेंड दौरा फिर शुरू हो जाएगा। इसका मकसद ये है तो स्टेट के अंदर जो बिहार के अंदर चुनाव हुआ है वहाँ से 5 कैंडिडेट हमारे जीत चुके हैं, बहुत से लोगों का इस पार्टी के अंदर दाखिला लेना शुरू हो चुका है। जमीयत उलमा हिंद ने आज वन डे प्रोटेस्ट की जो कि एक हर तरीके से जगत सर्कल पर चल रहा है, जहां पर फार्मर्स बिल को अपोज किया जा रहा है। आज जमीयत उलमा हिंद ने अपना एक्सटेंशन दिया और आज उन्होंने एक दिन का धरना दिया है सॉलिडरिटी और सपोर्ट के लिए फार्मर्स के लिए। जी हाँ, इस मौके पर XMLA BR पाटिल भी यहाँ पर मौजूद थे।
उलमा इकराम इस आंदोलन के समर्थन में यहाँ बैठे हुए हैं। इस वक्त सारा हिंदुस्तान जानता है कि इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी जो किसान हैं, किसान मुखालिफ जो बिल लाए गए हैं, इस वक्त हरियाणा और पंजाब और दिल्ली की सरहदों पर सख्त सर्दी के अंदर किसान जो आकर अपना एहतजाज दर्ज कर रहे हैं और उन काले कानूनों को वापस लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये बेज़मीर गवर्नमेंट, भाजपा गवर्नमेंट चंद मखसूस ताजिरों के हाथ इस मुल्क को बेचने के लिए जो काला कानून लाई है उसको वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हुकूमत को ये समझना चाहिए कि ये किसान जो इस वक्त सड़कों पर हैं, जिस तरह सरहदों की हिफाजत हमारे फौजी करते हैं, इसी तरह इस मुल्क की हिफाजत हमारे किसान करते हैं। अगर उन किसान मुखालिफ कवानीन को वापस नहीं लिया गया तो ये जन आंदोलन जो इस वक्त दिल्ली की सरहदों पर है, ये बढ़कर हर सूबे और हर स्टेट के अंदर पहुँचेगा, फिर हुकूमत को घुटने टेकने पड़ेंगे। GoHaz.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार। फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज डू सपोर्ट GoHaz.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुँचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज़ ब्रॉट यू बाय KBN यूनिवर्सिटी, स्टाइल अप एट प्रकाश एशियन मॉल एंड बाय यूनाइटेड डायग्नोस्टिक्स।